अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मां है शेफ फैसल तानी सोफिया कुकिंग शो में। सब खैर से हूँ, मज़ेदार रेसिपीज तेज खड़ी है। आई ये खादा जो ठादा तमाम सुठो में फ्लेवर देने ला इतने है मसाको चिकन पाउडर। मसाको चिकन पाउडर तमाम बेहतरीन पैकिंग में दस्तियाब है। हम तो मुझे हथ में पैकेट है, लेकिन इनके अंदर साशे होंगे, ठीक है। इनके अंदर साशे होंगे, मुझे हमें 24 साशे होंगे इनके अंदर, ठीक है। तो ये मसाको चिकन पाउडर जो साशे तुम वो इन तरीके जो होंगे पैकेट। जैसे अस चिकन क्यूब यूज़ क्या ब होंगे, ठीक है, एक पैकेट में। तो ये ब चिकन क्यूब के बराबर में एक साशी है, ठीक है। ब चिकन क्यूब के बराबर जो एक साशी है, यो तुम विचंदो कें भी किस्म की भाजी में, कें भी किस्म की दाल में, अंडा ठा पाया, का भी शाया पाया, तुम इस्तेमाल कौ। जडे ही इस्तेमाल कौ तो तुम लूण जो इस्तेमाल न कौ। इन शे ख्याल रखो, में लूण भी है, इनमें फ्लेवर देने ला। तमाम बेहतरीन ही रेसिपी में ठहंदी है। चावर ठा पाया, पुलाव ठा पाया, चाइनीज ठा पाया, सूप्स ठा पाया, तो तुम इनमें इस्तेमाल कर सको। तो अज अस पाया अंडा ग्रेवी, तमाम बेहतरीन जो आलू पटाटा और मटर से अगर अंडा ग्रेवी ठाईंदी मिक्स में, उनमें ही विजंदी लूण की जगह, चिकन जो भी फ्लेवर दी बेहतरीन रेसिपी ठंडी। उन है अस बिज़म मुत्तफिक, बिज़म मुत्तफिक है कस्टर्ड पाउडर। बिज़म मुत्तफिक है तुर्की की ब्रांड है, लेकिन ठहे पाकिस्तान में पई, ठीक है। तुर्की जो कस्टर्ड है उनकी मैनुफैक्चरिंग हल पी, तमाम बेहतरीन पैकिंग में दस्तियाब है। साशे है हे पूरो टे पाक खीर के लिए होंगे, ठीक है। पूरो पैकेट ये कटिंग कौ उन टे पाक खीर में विझी थदे खीर में, कड़ियल खीर है तदे भी थदो हो, पैकेट वो तदे भी नॉर्मल थदो, बर्फ वो न मतलब नॉर्मल टेम्परेचर से इनके मिक्स कौ। गरम में विझो तो गुठली ठही वी, मिक्स कौ चंगी तरह चूल्हे के मथा रखी ठाई। अज में ही ठाया पो तूँ, अज में रेसिपी ठाया पो इन कस्टर्ड से गड असा ठाकुर पाया शाही टुकड़ा, कस्टर्ड शाही टुकड़ा। शाही टुकड़ा नॉर्मल ठंडा, लेकिन कस्टर्ड से गड जबरदस्त ही ठंडा। इनमें अस इस्तेमाल कंदासी स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, ठीक है। यह रेसिपी भी दिसजो, कस्टर्ड ठाने जो तरीको भी दिसजो। सुबह 9 बजे रिपीट हलन, स्क्रीन पर नंबर ले पो, का भी फरमाइश करनी हो, कुछ भी पूछो हो, कॉल कर पूछे सको। तो आज की जो हम रेसिपी बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार अंडा ग्रेवी, आपने खाया होगा बॉयल अंडों का सालन, लेकिन उसमें हम आलू और मटर भी ऐड कर रहे हैं, ठीक है। अंडा ग्रेवी आलू मटर के साथ ऐड कर रहे हैं, बना रहा हूँ, तो ये देखिएगा। और इसमें हम यूज़ करेंगे मसाको चिकन पाउडर। मसाको चिकन पाउडर ये साशे मिलता है, हर जगह अवेलेबल है, हर जगह मिल रहा है। और इसमें जैसे हम 2 चिकन क्यूब यूज़ करते हैं, वहाँ पर आप ये 1 साशे यूज़ करेंगे। नमक नहीं डालेंगे, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। नमक आप डालेंगी तो उसमें नमक डबल हो जाएगा, तो ये बिल्कुल इसमें बैलेंस होता है। ये पूरा साशे आप यूज़ कर सकती हैं। पैकेट मिलता है इस तरह का, इसमें 24 पीस होते हैं। जब आप ग्रॉसरी करने जाती हैं, राशन लेते हैं, महीने का सामान लेते हैं, तो ये आप लेके रखें। दालें बनाएं, सब्जियां बनाएं, चिकन की कोई भी रेसिपी बना रहे हैं, बीफ की कोई रेसिपी बना रहे हैं, या राइस बना रहे हैं, मटर राइस, वाइट राइस, पुलाव बना रहे हैं, उसमें आप इस्तेमाल करें। लेकिन राइस में जब आप आधा किलो में ये डालेंगी पैकेट, तो 1 चाय का चम्मच एक्स्ट्रा डालेगा, क्योंकि नमक हमें चावलों में ज़्यादा चाहिए होता है, ठीक है। और दोनों रेसिपीज़ बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगी। दूसरी रेसिपी हम बनाएंगे बिज़ मुत्तफिक कस्टर्ड है हमारे पास, ठीक है। ये कस्टर्ड का साशी आप देख रही हैं मेरे हाथ में, ये मार्केट में अवेलेबल है, मिल रहा है ईजिली। 3 फ्लेवर में, स्ट्रॉबेरी, वनीला एंड चॉकलेट में, ठीक है। स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, वनीला फ्लेवर, चॉकलेट में दस्तियाब है। और इसको आप कटिंग करेंगी, 3 पाव दूध या 3.5 कप दूध ठंडे दूध में डिज़ोल्व करेंगी, गर्म में नहीं डालना है क्योंकि गुठली बन जाती है, ठीक है। ठंडे दूध पूरे में डिज़ोल्व करके पूरे दूध में उस दूध को आपने पतीले में डाल के चढ़ा देना है, ठीक है। उसके बाद 4 से 5 मिनट में क्रीमी कस्टर्ड तैयार हो जाएगा। इसमें चीनी डली होती है, चीनी डालने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। एनेक्स हमारे साथ है, एनेक्स में जूसर, ब्लेंडर, चॉपर, हैंड बीटर, हैंड मिक्सर, माइक्रोवेव ओवन वगैरह सब यूज़ करता हूँ आपके सामने, आप लोग के लिए मार्केट से ईजीली मिल जाता है, ठीक है। सबसे पहले हम बनाने जा रहे हैं क्या, सबसे पहले हम बनाने जा रहे हैं अंडा ग्रेवी। अंडा ग्रेवी के लिए 5-6 अंडे आपने बॉयल करने हैं, अच्छी तरह सख्त बॉयल करने हैं। जब अंडे सख्त बॉयल हो जाएं, तो फिर इसको आपने साबित रखना है, काटना नहीं। अगर काट के डालेंगी तब भी आप डाल सकते हैं, लेकिन मैं साबित रख रहा हूँ, ठीक है। 5 से 6 अंडे, 5 का 6 बेदा खड़न दो, चंगी तरह इनके 15 मिनट बॉयल कजो तेज़ बाहे ते। पानी में जड़े चंगा बॉयल थे वन तो छिलको लाई छो असा तैयार थी वन। इतने अस पटाटा यूज़ कंदासी, एक पाव आलू इसमें यूज़ करेंगे, ठीक है। और इस तरह बड़े कटिंग में आपने आलू यूज़ करना है, 1 आलू के 4 पीस कर दें मीडियम साइज़ में। और अगर आपके पास
छोटे आलू हैं तो दो पीस में कटिंग करेंगी, छील के जैसे हम सालन के लिए आलू गोश्त में डालते हैं इस तरह आपने आलू कटिंग करना है, ठीक है। एक पा पटाटा है इन पानी में पिसा इनके रखें इनके कारा ना पवन ए पटाटन के छिलन का पो वडा है इन तो चार पीस कजो, नंढा है इन तो ब पीस करे छो, ठीक है। इनमें असा एक कप मटर भी विझंदे, मटर महंगो थी वो लेकिन मिले पो तुम खाइंदा भी आयो सब वठंदा भी तो मटर एक कप वा अध पा जितना मटर छिलियल वा, ठीक है। आधा पाव मटर छील के आप इसमें डालेंगी, एक करीब एक कप के करीब ये मटर हमारे होंगे, ठीक है। अब सबसे पहले हम बनाते हैं अंडा ग्रेवी। अंडा ग्रेवी के लिए हमें क्या क्या चाहिए, ऑयल गरम करेंगे यहाँ पे कितना, हाफ कप, अंदाजे से मैं विझंदो तेजे हिसाब से जी घर में इस्तेमाल कर रहा ऑयल उन हिसाब से तुम खड़ा, ठीक है। आधा कप ऑयल गरम किया, जैसे ऑयल गरम होगा इसमें हमने डालना है भगार, ठीक है। भगार किया जाएगा साबित लाल मिर्च, गोल वाली ले लें या इस तरह की सूखी वाली ले लें साबित लाल मिर्च, ठीक है। ये जाएंगी चार लौंगी मिर्च, चार विझंदो गोल वारा हुजन या सुखा गाढ़ा मिर्च हुजन, इन मां एक ब मिर्च असा हिं तोड़े विझंदी दाग में, ब साबित दो साबित डाल दिए साबित लाल मिर्च, दो को आपने तोड़ के दो पीस करके डाल देना, ठीक है। उसके बाद हम डालेंगे तेज पत्ता, एक अदद तेज पत्ता जो साबित गरम मसाले में होता है, एक ये चला गया, एक अदद तेज पत्तो जो साबित गरम मसाले में वो, एक दारचीनी जिन्हें मिठी काठी चाहता है यह विझंदी, एक अदद दारचीनी जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास एक बड़ी इलायची है, चार लौंग है और एक चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, एक बड़ी इलायची, चार लौंग, एक चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, एक वो फोटो, चार लौंग, एक चाय जो चमचो अच्छो ज़ीरो, अध कप ऑयल गरम कर, ठीक है। लौंगी मिर्च चार खाया जैमा तुम ब तोड़े विझंद हथ से, ब साबित वे छो, तेज पत्तो एक, दारचीनी की काठी एक जो साबित होंगी, लौंग टे खा चार, जीरो एक चाय जो चमचो, वो फोटो एक अदर, ठीक है। हाफ कप कुकिंग ऑयल या हजवेज ऑयल जैसे आप लेते हैं सालन के लिए कुकिंग ऑयल, अपने अंदाजे से आपने लेना है। इसमें दो लाल मिर्च साबित आपने तोड़ के डालनी है और दो साबित लाल मिर्च आपने साबित डालनी, यानी चार साबित लाल मिर्च या सूखी लाल मिर्च होनी चाहिए जिसमें से दो तोड़ के डाली दो साबित, एक तेज़पत्ता, एक दारचीनी, एक बड़ी इलायची, तीन चार अदद लौंग और सफ़ेद ज़ीरा एक चाय का चम्मच। अभी ये भगार बनना शुरू हो गया इसमें मिर्चों का और मसाले का, दाग ठंड शुरू थी हुआ, जैसे भगार बनना शुरू होगा इसमें सबसे पहले हम डालेंगे प्याज का पेस्ट, ये एक प्याली है यानी दो मीडियम साइज़ के प्याज बारीक कटिंग करके जूसर ब्लेंडर में डाल के आपने थोड़े पानी के साथ पेस्ट बना लेना है, वरना कद्दूकश कर लें प्याज को, जिसे हम कद्दूकश करते हैं बारीक वाले हिस्से से तो कद्दूकश करके भी डाल सकती हैं। बसर ब गंड खड़ी जूसर मशीन में तो हलाई दो थोड़े से पानी से अगर पेस्ट ठही वी एक प्याली न तो कद्दूकश कर छो, ठीक है। प्याली हमने इसमें डाल दी है प्याज का पेस्ट, ठीक है। प्याज का पेस्ट डालने के बाद चींटे आ गए मेरे ऊपर तो ये मैं हाथ वगैरह से हटा दूं, और उसके बाद हम इसमें अदरक लहसुन कुटा हुआ या पेस्ट डालेंगे, कितना कुटियल अदरक थूम जो पेस्ट या कुटियल अदरक थूम या पेस्ट इनमें विझंदा एक खाने जो चमचो, ठीक है। जैसे यहाँ पे प्याज का भगार बनेगा, प्याज डाल दिया, अब मैंने प्याज को ब्राउन होने के लिए थोड़ा कवर इसलिए किया कि ताकि प्याज का जो पानी है वो भी ड्राई हो जाएगा और प्याज ब्राउन शेड में आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद हम इसमें डालेंगे एक खाने का चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट, एक खाने का चम्मच कुटा हुआ अदरक लहसुन या अदरक लहसुन का पेस्ट, ठीक है। खाने जो चमचो अदरक थूम जो पेस्ट या कुटे विच जो अदरक थूम, ठीक है। और इसके साथ ही हम डालेंगे एक अदद हरा मिर्च बारीक कटिंग करके, ये भी इसके साथ ही डाल देंगे अदरक लहसुन के साथ, ठीक है। अदरक ऐं थूम सा गड असा पेस्ट जल्दी विझंदा सी तो उनमें एक अदा साओ मिर्च भी विझंदा सी। अब ये भगार बन रहा है, प्याज का पेस्ट डाला, इसको फ्राई होने दें। जब प्याज का कलर चेंज होने लगेगा इसमें आप डाल देंगी अदरक लहसुन कुटा हुआ या पेस्ट एक खाने का चम्मच और एक अदा हरा मिर्च, ठीक है। अदरक थूम कुटियल या पेस्ट एक खाने जो चमचो ऐसा गड टाइम में एक कदर साव में छिड़वा। अब इसका ये भगार बन रहा है, ये बहुत मज़े का बनेगा, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। पानी प्याज का जब ड्राई होने लगेगा, ठीक है, तो हम इसमें डालेंगे आलू। आलू इसलिए पहले डाल रहा हूँ ताकि आलू जो हैं इसमें फ्राई होना शुरू हो जाएंगे और आलू के ऊपर एक लेयर आएगी और आलू बहुत अच्छे से पकना शुरू हो जाएंगे। साथ साथ प्रोसेस में आके जब तक हम एंड पे जाएंगे तो आलू हमारे गल चुका होगा, ठीक है। एक पा पटाटा हाँ मैं इनमें विझा पियो,
चार चार पीस करें, ठीक है। एक पाव आलू हैं, चार चार पीस करके आलू मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ, जिससे हम आलू गोश्त में डालते हैं। बस एक पाव काफ़ी हैं, या तीन आलू ले लें या दो। अगर आलू नहीं पसंद तो फिर आप सिर्फ अंडों के साथ, बॉयल अंडों के साथ बना सकती हैं, लेकिन ये आलू के साथ बहुत डिफरेंट रेसिपी बनेगी। इसलिए मैं डिफरेंट डिफरेंट तरीक़ों से बना रहा होता हूँ, ताकि आप लोग इस तरह की भी वेरिएशंस करके अपनी रेसिपीज़ को बनाते रहा करें। अब ये आलू डाल दिए, और आलू जब तक फ्राई होते रहेंगे, और यहाँ पे प्याज भी ब्राउन होता रहेगा, ठीक है। अदरक लहसुन की पहले खुशबू आने दीजिएगा, कच्ची अदरक लहसुन के साथ आलू नहीं डालने। पहले अदरक लहसुन का पेस्ट आपका फ्राई होने लगेगा, कलर आने लगेगा, खुशबू आने लगेगी, आपको खुद ही भगार की, उसके बाद आपने इसमें आलू डाले, और आलू को आपने पकने देना है, ठीक है। तीन चार मिनट आलू पकते रहेंगे, उसके बाद जब प्याज का पानी बिल्कुल खुश्क हो जाएगा, ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा, फिर हम इसमें डालेंगे टमाटर का पेस्ट, ठीक है। टमाटर का पेस्ट यानी दो बड़े टमाटर या मीडियम साइज़ के टमाटर। बहुत महंगा है, जब सस्ता हो रहा होता है, बाज़ दफ़ा अप डाउन होती रहती है इसकी कीमत, कभी 300 पे जा रहा है, कभी 200, कभी 180, कभी 250। तो फिर जब टमाटर आपको लगे कि सस्ते हो रहे हैं, तो टमाटर आप ख़रीद लिया करें, एक तो दो किलो तीन किलो टमाटर को फ्रीज़ कर दें, वॉश करके फ्रीज़ करके, फिर आप उसका जब भी आपने यूज़ करना है टमाटर, 10 मिनट पहले निकालें, नरम हो जाएगा, छिलका हटा के इमाम दस्ते में एक चोट मारें, टूट जाता है, ठीक है, वो आप इसमें डाल दें। तो फ्रीज़ कर लिया करें, जब अगर आपको सस्ते जहाँ से मिल रहे हैं, क्योंकि आजकल सीज़न जैसे चल रहा है, और फिर सैलाब की वजह से काफ़ी सब्ज़ियाँ महंगी हुई हैं बारिशों के बाद से, और वैसे भी आपको पता है मुल्क में महंगाई कितनी चल रही है, हर चीज़ बहुत ही ज़्यादा महंगी होती जा रही है। तो ये आप अपने हिसाब से फिर देख लीजिएगा, ठीक है। टमाटा सीधा सस्ता मिलन, टमाटा वो फ्रीज़ कर छंदा क्यों जडे पचाइण आए, बाहर कढ़ दो, 10 मिनट में नरम थी टमाटो, या पानी में थोड़ा पिसाए रख दो, छिलको जो लाई छो, इनके खरी मोरी में रखी ढक करो, तो टमाटो टुटी पे हों, वो तुम भाजी में विझो, को फर्क न तो पे कि ताज़ो है या फ्रोजन है, टेस्ट सेम अचे तो, ठीक है। और अगर टमाटर बहुत महंगा है तो आप टमाटर यूज़ ना करें, ये भी ऑप्शन है कि आप उसकी जगह दही इस्तेमाल करें, लेकिन दही खट्टा ना हो, ठीक है। जैसे दो टमाटर हम यूज़ करते हैं, उसकी जगह आप तीन खाने की चम्मच दही, चार खाने की चम्मच दही ले लें, और उसको फेंट के डालें, तब भी सालन मज़े का बनता है। ज़रूरी नहीं कि आप टमाटर इतने महंगे तो आप टमाटर ही यूज़ करें, अगर नहीं अफोर्ड कर रहे, नहीं दिल कर रहा, नहीं लेना चाह रहे, तो आप दही के साथ भी बनाएं, सेम रेसिपी बनती है सेम तरीके से। अब ये देखें टमाटर, सॉरी आलू ड्राई होने शुरू हो गए, आलू का ये पानी निकलता है, आलू के ऊपर एक फ्राई सा कलर भी आ रहा है, और यहाँ पे जो प्याज है हमारा बिल्कुल गोल्डन कलर में आ गया है, उसका ऑयल ऊपर आ गया। अब हमने डाल दी इसमें टमाटर का पेस्ट, ठीक है। टमाटर जो पेस्ट विझी छो, बट टमाटर जो जडे सफ़ा बसर तुम गाढ़ो थे लगो, ऑयल सफ़ा अलग थी, पटाटा गद गद पचन पिया। आलू इसलिए मैंने पहले डाल दिए थे, आलू में फ्लेवर आता रहेगा प्याज का, मसालों का, वरना आलू अक्सर फीका हो जाता है। लोग क्या करते हैं, बॉयल आलू भी डालते हैं, डाल सकती हैं आप भी, लेकिन मैंने डाले। अब मैं इसमें डालूंगा एक कप जितने मटर, मटर ऑप्शनल है, अगर नहीं है तो मटर ना डालें, सिर्फ आलू अंडों का भी कर सकते हैं, ठीक है। प्रोसेस अगर मटर महंगा लगन था नथा भी तो मटर आहिन महंगा 100 रुपये 80 रुपये पा हलन पे, तो पो तां सिर्फ इनमें पटाटन सा भी कर सको था, ठीक है। अगर मटर अगर आपको महंगे लग रहे नहीं ले रहे, तो फिर आप इसको सिर्फ आलू के साथ भी बना सकती हैं, ठीक है। अब ये पक रहा है आलू भी मटर भी टमाटर के साथ, तो मैं यहाँ पे चूल्हा हल्का करूँगा और इसको कवर करूँगा। अभी मैंने पानी वानी कुछ नहीं डाला है, अपनी ही स्टीम में टमाटर के पानी में आलू मटर थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा, फिर बाद में हम इसमें मसाले डालेंगे। मसाले क्या जाने वाले हैं, यहाँ पे पिसी हुई लाल मिर्च एक चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर एक चाय का चम्मच, धनिया पाउडर एक चाय का चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च ऑप्शनल है, जैसे हमेशा बोलता हूँ, इससे कलर अच्छा आता है, ये लेके रखें अपने घर में, सस्ती मिलती है, कोई महंगी नहीं। देगी लाल मिर्च भी कहते हैं, कश्मीरी मिर्च भी कहते हैं, और फीकी लाल मिर्च भी कहते हैं, पेपरिका पाउडर भी कहते हैं। ज़ीरा कुटावा पिसा हुआ एक चाय का चम्मच, कुटी लाल मिर्च एक चाय का चम्मच, और काली मिर्च फ्रेश गोल काली मिर्च लें, उसको आधा चम्मच जितनी 8 दाने 7 दाने ले लें, उसको कूट के आपने डालना है, इससे बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा अंडे ग्रेवी में, ठीक है। पिसी लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च एक एक चाय का चम्मच, ज़ीरा पाउडर एक चाय का चम्मच, कुटी लाल मिर्च एक चाय का चम्मच, साबित काली मिर्च 7-8 दाने लेके उसको कूट के डालें, फ्रेश ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा अंडा ग्रेवी में। पीठल गाढ़ा मिर्च हेड पीठल धाना एक एक चाय जो चम्मच, कश्मीरी गाढ़ा मिर्च ऑप्शनल लाइन, नथा विझो ना विझो हटाई छो, ठीक है, बल्कि ना है तो ज़रूरी ना विझो, लेकिन का कलर सुठो अचे तो। पीठल गाढ़ा मिर्च हेड पीठल धाना कश्मीरी गाढ़ा मिर्च एक एक चाय जो चम्मच, ज़ीरो
कुटियल या पाउडर करे एक चाय जो चमचो, कुटियल गाढ़ा मिर्च एक चाय जो चमचो, आई कारा मिर्च साबित खड़ो 6-7 या 8 दाना उनके कुटे विझो, उनका जायको इंदो पीठल वारा ना विझो जो पैकेट वारा हुंदा। पीठल गाढ़ा मिर्च 8 दाना, कश्मीरी गाढ़ा मिर्च एक चाय जो चमचो, जीरे जो पाउडर करे एक चाय जो चमचो विझंदो, कुटियल गाढ़ा मिर्च एक चाय जो चमचो, कारा मिर्च 1/2 चाय जो चमचे जेता लेकिन साबित कुटे विझंदो। ठीक आ, हे हाने मसाले के टमाटन के दिसू ता किथे पुगा, टमाटर अच्छे से गल गए हैं, जैसे बिल्कुल ही कुछ कुछ साबित पीस भी हों, या अगर टमाटर आपके पास जूसर ब्लेंडर नहीं है तो टमाटर का छिलका हटा के फिर आप उसको बारीक बारीक चॉप करके डालेंगी तो खुद ही पकने के बाद पेस्ट सा बन जाता है, ठीक है, ग्रेवी सी बन जाती है। अब जैसे यहाँ पे टमाटर का पानी खुश्क होने लगा, ऑयल सेपरेट हो रहा है, सारे पिसे हुए मसाले इसमें चले गए। ठीक है, टमाटर जो जी पानी खुश्क थियो तो इतने माँ जी पीठल मसाला वा विझा। अब मैं इसमें क्या डालने वाला हूँ, मसाको चिकन पाउडर साशे, एक साशे इसमें जाएगा, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। मसाको चिकन पाउडर का एक साशे लिया, ये पूरा डालेंगे, लेकिन आपने सॉल्ट मैंने देखा, आपने देखा मैंने यूज़ नहीं किया, तो मसाको चिकन पाउडर का पूरा एक साशे डाल दिया, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। मसाको चिकन पाउडर लें, मार्केट में अवेलेबल है, ईजिली मिल जाता है। मसाको चिकन पाउडर विझो, लूण ना विझो, ठीक है, आई अगर मसाको चिकन पाउडर न था विझो तो 1/2 चाय जो चमचो लूण इनमें विझंदो। अगर मसाको चिकन पाउडर नहीं आपके पास तो फिर आप सिर्फ 1/2 चाय का चम्मच नमक यूज़ करेंगे। ठीक है, ब्रेक का टाइम हो गया, एक शॉर्ट ब्रेक पे जा रहे हैं, जब तक मैं इसकी भुनाई करूँगा, भुनाई करने के बाद हम इसमें दही डालेंगे, एक शॉर्ट ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद आके रेसिपी कंटिन्यू करें। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक ते वञण खां पहिरीं तव्हां साम्हूं जेका रेसिपी ठहे पई अंडा ग्रेवी, ऐं इहा असां ठाहियूं पिया मसाको चिकन पाउडर सां गॾु, बहितरीन पैकिंग में दस्तियाबु आहे। जॾहिं असां 2 चिकन क्यूब यूज़ कंदा आहियूं, हुन जी जॻह 1 चिकन पाउडर जो साशे हूंदो आहे। वरी तव्हांखे ॾेखारे थो छॾां, हीअ आहे मसाको चिकन पाउडर, हीअ आहे मसाको चिकन पाउडर, तव्हां ॾिसी सघो था, ऐं मार्केट में ईज़ीली मिले थो। हीअ दाल में, कंहिं बि क़िस्म जी भाॼी में, अंडा ग्रेवी आहे, अंडा घोटाला आहे, ऐं हुन जे अलावा चांवरनि में, मुर्गी में, हर शइ में तव्हां इनमें इस्तेमालु करे सघो था। लेकिन जॾहिं इहो विझंदो त लूणु न विझो, बाक़ी इनमें ज़बरदस्त फ्लेवर ईंदो। ठीक है, ये मसाको चिकन पाउडर डाला है मैंने इसमें, ईज़िली मिल जाता है, साशे हर जगह मिल रहा है, जहाँ हम 2 चिकन क्यूब यूज़ करते हैं वहाँ पर आप ये एक साशे यूज़ करेंगी। जब आपने ये साशे डालना है तो आप सॉल्ट नहीं डालेंगे इसमें, नमक नहीं डालेंगे, इसमें ऑलरेडी नमक मौजूद होता है, तो ये मैंने अंडा ग्रेवी में यूज़ किया है। ठीक है, और मटर के साथ अंडा ग्रेवी बना रहे हैं, आलू मटर के साथ, ज़बरदस्त हमारी रेसिपी बन रही है। अभी देखिए मैंने बिल्कुल छोड़ दिया था हल्की आँच पर मसाला, आलू डाल के भून के टमाटर के साथ, ये देखें इन तरीके की ज़बरदस्त असांजी ग्रेवी तैयार थी वही है। हाँ जैसे इनके सफ़ा ऑयल मथे अची वे, टमाटा मसाला ये सब भुनी छियान, हाँ मैं इनमें विझा पो दही। दही हम कितनी डालेंगे इसमें, 3-4 टेबल स्पून दही को हमेशा फेंट के डाला करें, 3-4 खाने के चम्मच दही डालेंगे। अच्छा, दही ऑप्शनल है, अगर दही नहीं है तो बगैर दही के बन जाता है। दही से क्या होता है, ग्रेवी ज़बरदस्त बनती है, फ्लेवर बहुत अच्छा निकल के आता है, तो दही इतनी महंगी नहीं होती। और अगर प्याज टमाटर महंगे पड़ रहे हैं तो आप टमाटर ना डालें, उसकी जगह आप दही का इस्तेमाल करें, 1/2 पाव दही काफ़ी होती है तकरीबन, जहाँ आप टमाटर आपको महंगे लग रहे हैं तो। ठीक है, अगर टमाटर महंगा लगन पे न पे मिलन या नथा वी सो तो तुम दही जो इस्तेमाल कंदा कर, दही से भी फ्लेवर हों सुठो, लेकिन दही खट्टी ना हो, बस इन चीज़ों ख्याल हो, खट्टी होंगी तो तीन भाजी खट्टी थी। अब दही को आपने भूनना है यहाँ पे, क्योंकि दही को भूनने का मकसद ये है कि इसमें जो दही का पानी है वो हमने खुश करना है, दही की जो खटास है वो ख़त्म हो जाए, और दही का फ्लेवर मसाले के अंदर अच्छे से रच जाएगा, और आलू के अंदर, मसालों के अंदर फ्लेवर आ जाएगा। ठीक है, दही के चंगी तरह भुनंदासीं, ऑयल मथे अची वो जेस ताईं दही के भुनणो, दही जो पानी खुश करणो आ। ठीक है, था उनकी खटास भी जेका थोड़ी घणी हुंदी वो भी ख़त्म थींदी, ऐं ग्रेवी तमामु बहितरीन हिन सां तयार थींदी आहे दही सां। ठीक है, ये देखें ज़बरदस्त हमारी ग्रेवी तैयार हो रही है, और इसको मैं मुसलसल हल्की आँच पर भून रहा हूँ। आलू जो मैंने शुरू से डाले हुए थे प्याज के बाद, तो आलू पकते पकते आलू में टमाटर का भी फ्लेवर आ जाएगा, आलू फीका नहीं लगेगा, जब आप खाएंगे आलू के अंदर फ्लेवर आएगा, पकते पकते आलू मसाले खींच रहा होता है तो ये आलू ज़बरदस्त हो जाएंगे इसके साथ। ठीक है, हाँ भुंजंदे इनके 2 मिनट थी गए। अब मैं इसमें ग्रेवी के लिए पानी इतना डालूंगा जितनी हमें ग्रेवी चाहिए होगी, तो मैं तकरीबन 2-2.5 कप पानी डालूंगा ताकि आलू और मटर वहाँ गल जाए। अब पानी में उसी प्याली में डाल रहा हूँ जिसमें हमारा दही रखा हुआ था, ताकि पानी फीका ना रहे, पानी में फ्लेवर आ जाएगा दही का। ये 2 कप के करीब मैं इसमें पानी ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, पानी मैं इतना विधो है, 2 कप
ताकि जो पटाटा है वो कच्चा ना रहन गरी वन ठीक है। आलू कच्चा ना रहे गल जाए, मटर भी डाला हुआ है वो भी गल जाएगा। अब इसमें बॉइलिंग आने दें, ग्रेवी में आपने बॉइलिंग आने देनी है। कॉल वर्तूँ था, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक है जी, बिल्कुल ठीक ठाक। कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? भाई शहजादी बात कर रही हूँ, शहदादपुर से। ठीक है, आप तो कॉल करती रहती है ना? जी भाई मैं करती रहती हूँ, और माशाल्लाह आप रेसिपी इतनी अच्छी बताते हैं कि दिल करता बार बार कॉल करके और आपसे फरमाइश करें। ठीक है, बनाती भी हैं? जी हाँ बनाती हूँ भाई। चलें ठीक है, आपकी तरफ केबल पे आ रहा है सन टीवी या डिश पे आ रहा है? भाई केबल पे आ रहा है। बिल्कुल सही, क्लियर आ रहा है, आवाज़ भी सही आ रही है। आवाज़ वगैरह तो बिल्कुल सही आ रही है, लेकिन चैनल कुछ साफ नहीं चल रहा है। क्योंकि पिछले हफ्ते भी आपने कहा था ना चैनल में आवाज़ समझ नहीं आ रही थी थोड़ी। जी, अब आवाज़ बिल्कुल सही आ रही है, बस बाकी तस्वीर वगैरह साफ नहीं। ठीक है, असल में बारिशों की वजह से, सैलाब की वजह से थोड़ा डिस्टर्ब हुआ था काफ़ी इलाकों में ना, आहिस्ता आहिस्ता सेट होता जा रहा है। कोई फरमाइश करनी है आपने? जी भाई ये पूछना था, ये जो हम होटल से परांठे मंगाते हैं ना, तो वैसे हम उसे घर से नहीं बनते, तो अगर आप परांठे पठान के जो पराठे होते हैं लच्छे वाले? जी। ठीक है, मैं इंशाल्लाह अगले हफ्ते बनाना सिखा दूंगा। ठीक है जी भाई, बहुत मेहरबानी। और भाई ये जो मूली के परांठे होते हैं सब्जियों, ये भी ये इंशाल्लाह बस ये थोड़े 10-15 दिन गुजर जाए, सर्दियाँ आने शुरू हो जाए, पराठों की बहुत सारी वरायटी है, इंशाल्लाह हर तरह के पराठे बनाना सिखा दूंगा। ठीक है, मूली वगैरह। थैंक यू, बहुत मेहरबानी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। बॉइलिंग आने लगी, गरम मसाला पाउडर आधा चाय का चम्मच डाल दिया। बॉइलिंग अचड़ लगी, गरम मसाला पाउडर आधा चाय जो चम्मचों विधो। इसको मूव करते हैं दूसरी तरफ, कवर करके 15 मिनट पकने देंगे, 12-15 मिनट, ताकि आलू जो है हमारा गल जाएगा। ठीक है, अभी मैंने कवर कर दिया, इसको मैं यहाँ पर मीडियम टू लो फ्लेम पे छोड़ दिए ताकि आलू गलता रहेगा। इस दौरान हम इसमें डाल देंगे हरा धनिया फाइन चॉप करके आधा, और आधा आखिर में डालेंगे, तकरीबन 4 खाने के चम्मच हरा धनिया होगा। आपने बारीक कटिंग करना है, वॉश करके पत्तियां हटा के, ठीक है। सावा धाणा 4 खाने के चम्मच खाएँ, इनमें अध सावा धाणा इनमें विझी छंदासी ताकि इनके अंदर फ्लेवर अच्छे ग्रेवी में, अध जेका सावा धाणा है हे रखी था छूँ बाद में इस्तेमाल करना से। आधा हरा धनिया हम बाद में इस्तेमाल करेंगे, मैंने काट के रख दिया। अब हम आते हैं सेकंड रेसिपी पे, वो हम क्या बना रहे हैं? हम बना रहे हैं बिज़ मुत्तफिक का कस्टर्ड। यहाँ पे हमारे पास है 3 पाव दूध, 750 ml, ठीक है, बॉयल दूध है और ठंडा है। कड़ियल खीर हुजे आई थदो हुजे 750 ग्राम, यानी 3 पाव खीर हों तार। फ्लेवर अजमा खाना पे स्ट्रॉबेरी, ठीक है, आज मैं स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर इस्तेमाल कर रहा हूँ इसमें। और ये पूरा साशे आप डालेंगे, इसको गौर से देखिएगा, बिल्कुल इजी बन जाता है ये, ठीक है। ये साशे पूरा खाएँ, और इसमें चीनी वगैरह कोई चीज़ मिलाने की ज़रूरत नहीं, पूरा साशे इसमें आप ऐसे ही डाल देंगे, ठीक है। बिज़ मुत्तफिक कस्टर्ड तुर्की की ब्रांड है, ज़बरदस्त यहाँ पे बन रहा है, और ये मार्केट में अवेलेबल है, आप लें। हर 3 फ्लेवर हैं इसके, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी और वनीला, ठीक है। आपके सामने बनाता भी जा रहा हूँ इनकी रेसिपीज़। और अब आपने क्या करना है, इसको डिसॉल्व करना है, कोई चीनी वगैरह डालने की जरूरत नहीं, इसमें हर चीज़ मौजूद है, क्रीमी है ये, बड़ा ज़बरदस्त बनेगा। ठंडे दूध में घोलना है, गर्म दूध में नहीं करेंगे ताकि गुठली ना बने। थदे खीर में कंदो, गर्म खीर में ना कंदो, न तो गुठली ठहेगी। अच्छी तरह 1-2 मिनट इसको डिसॉल्व करें ताकि इसके अंदर जो क्रंच दाना आ रहा है सब चीनी वगैरह कस्टर्ड के फ्लेवर कलर्स जी, ये सारा हमारा डिसॉल्व हो गया। अब चूल्हा ऑन करेंगे, ठीक है, चंगी तरह मिक्स कर दो कस्टर्ड जो साशे पूरो इनके अंदर हलियो। खीर जी क्वांटिटी वधिक भी ना होजे, घट भी ना होजे, न तो क्वांटिटी आउट थी तो कस्टर्ड सुठो ना ठहंदो, ठीक है। दूध की क्वांटिटी आपने आउट नहीं करनी है, बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, वरना क्या होगा कस्टर्ड आपसे सही नहीं बनेगा। 3.5 कप दूध ले लें, अगर ज़्यादा दूध है आपके पास तो 3.5 कप दूध ले लें, नहीं तो 3 पाव दूध अलग से, ठीक है। 3.5 कप खीर कड़ी विझी सको था, अगर तुम खीर वधी का मापण लाए, न तो पो तुम छा कंदो कि खीर जो 3 पाव वठंदो। बस अब इसमें बॉइलिंग आएगी तो फिर हम इसको बना के ठंडा करेंगे, साइड में रखेंगे। उसके बाद शाही टुकड़े बनेंगे, शाही टुकड़ा कस्टर्ड बना रहा हूँ, तो ये डबल रोटी के 4 बड़े स्लाइसेस हैं, ठीक है, और इनको हम करेंगे फ्राई बनस्पति घी में। बनस्पति घी में ही फ्राई थींदा अहीं कस्टर्ड में वेंदा तव्हां खाईंदो, तव्हांखे ज़बरदस्त किस्म जी रेसिपी मिलंदी। फ्रेश क्रीम भी ऊपर से डलेगी इसमें, ठीक है, टॉपिंग पे। अभी देखें साइड में गाढ़ापन आता जा रहा है इसके अंदर, ये बस अब इसको घुमाना शुरू कर देंगे,
जैसे आप देखेंगे साइड से इसके बबल्स बनना शुरू हो गए, आप इसको घुमाती रहें मीडियम टू लो फ्लेम पे, 4 से 5 मिनट में आपका कस्टर्ड तैयार हो जाएगा। ठीक है, जलना नहीं चाहिए, इस चीज़ का आपने बहुत ख्याल रखना है। कस्टर्ड जब जलता है तो उसके अंदर जले हुए दूध की फ्लेवर आती है, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। कस्टर्ड जॾहिं ठाहींदा आहियो त ख़्याल रखंदा कयो हेठां लॻी वेंदो आहे साइडनि खां, स्टार्च हूंदो आहे इनमें, निशास्तो हूंदो आहे, त पोइ छा हूंदो आहे सड़ियल जेको खीर जी खीर सड़ी वेंदो उहो ख़ुशबू ईंदी आहे, पोइ सुठो नथो लॻे खाइण में। त कस्टर्ड एॾी महिनत सां ठाहियो बि दिलि सां त पोइ हुनखे परफेक्ट तरीक़े सां ॾिसंदा कयो। ठीकु आहे, मां हिते असां में नॉन स्टॉक थां यूज़ कंदो आहियां, नॉन स्टॉक हूंदा आहिनि ई। ठीकु आहे, त हिन में छा हूंदो आहे सड़ंदियूं न आहिनि शयूं, लॻंदियूं न आहिनि, त हिन करे सिल्वर जा जीअं घर में नॉर्मल यूज़ थींदा आहिनि त हुनमें खीर अक्सर सड़ंदो आहे साइड में, ब्राउन थियणु शुरू थींदो आहे, त इहो न थिए। ठीक है, नॉन स्टिक जो है मैं बर्तन यूज़ करता हूँ आपके सामने, तो इसमें मुझे ख़तरा नहीं होता कि दूध लग रहा है या जल रहा है या फ्राइंग पैन में। तो आप लोग नॉर्मल जैसे बना रहे होते हैं तो फिर दूध उसमें लगता है, साइडों से ब्राउन होने लगता है, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब ये कस्टर्ड गाढ़ा होना शुरू हो गया, 3 मिनट तकरीबन ऑलमोस्ट हो गए, और इसको तकरीबन 2 मिनट हम और पकाएंगे। ठीक है, बिल्कुल ईज़ी मज़ेदार ही कस्टर्ड ठही वो इनके कंदी थो उन दौरान असा स्लाइसिस के फ्राई कंदी जो असर अंदर विजासी क्रीम विधी। अब ये गाढ़ा होना शुरू हो गया, चूल्हे की आंच हल्की कर रहा हूँ, आपने हल्की आंच पे करना है, मेरा हाथ सेट है इस पर तो मैं जल्दी बना रहा हूँ क्योंकि प्रोग्राम की टाइमिंग के हिसाब से आप लोग ने हल्की आंच पे करना है। ठीक है, जल्दबाजी में वो दूध ना जला दें। ये देखिए क्योंकि इसमें गाढ़ापन आना शुरू हो गया, ये कस्टर्ड हमारा गाढ़ा हो रहा है, पूरे 4 से 5 मिनट लेगा, इससे ज़्यादा टाइम नहीं पकाना है आपने। ठीक है, कंसिस्टेंसी इसकी चेक करनी है आपने, कितनी रखनी है जैसे कस्टर्ड की होती, बहुत गाढ़ा रबड़ की तरह नहीं होना चाहिए। कस्टर्ड जब भी बनाएं नॉर्मल होना चाहिए, रबड़ की तरह भी गाढ़ा हो जाता है, फिर वो जमने के बाद बिल्कुल ऐसे पीसीस बन जाते, वो चीज़ देनी चाहिए। हाँ, ऐसा ही कस्टर्ड तैयार थी हो, इनके मलाई छिड़ी आजे ये ऐसो केतरो घाटो रखना है चमची से खड़े। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट, ये अभी और गाढ़ा हो जाएगा रखने से, रखने से अना घाटो थी। ठीक है, एतरो घाटो होजन खपे, इतना गाढ़ा होना चाहिए कि रखने के बाद भी गाढ़ा होगा। अब इसको थोड़ी देर छोड़ देते हैं, इस तरह हिलाते रहें बीच बीच में ताकि इसके ऊपर जो लेयर जमती है वो नहीं होनी चाहिए। अब ये यहाँ पे ठंडा हो रहा है, अब हम क्या करेंगे, डबल रोटी के स्लाइसेस लेंगे, 4 पीस करेंगे इसके। ठीक है, मसाले वाली नहीं होनी चाहिए, छुरी साफ होनी चाहिए बिल्कुल। इस तरह आपने 4-4 पीसेस कर लेने। ठीक है, 4 पीसेस में करी चलो। अब हम लेंगे एक बड़ा फ्राइंग पैन, इसमें डालेंगे बनस्पति घी, ऑयल नहीं यूज़ किया करें, मीठा जब आप बनाते हैं तो हमेशा बनस्पति घी इस्तेमाल किया करें। ठीक है, जडे भी मीठो ठाइंदो कदें भी घी ऑयल यूज़ ना करना, क्यों बनस्पति घी इस्तेमाल करना क्यों। ये देखिए बनस्पति घी ये डाला मैंने थोड़ा यहाँ पे, जैसे ही गर्म होगा तो डबल रोटी के स्लाइसेस हम सेक सेक के गोल्डन कलर में निकालते जाएंगे। एक प्लेट रख लेते हैं साथ। ठीक है, डबल रोटी जा स्लाइसेस हमें फ्राई कंदा वेंदासीं ऐं कढंदा वेंदासीं। बस बहुत ज़्यादा ऑयल घी जलना नहीं चाहिए, स्लाइसेस आप डालते जाएं, ये फ्राई होते जाएंगे। शाही टुकड़े जो हम बनाते हैं, मैं कस्टर्ड के साथ बना रहा हूँ शाही टुकड़े। ठीक है, ऐसे फ्राई होंगे तो इसको निकाल देंगे, पलटते जाएं, फ्राई होते जाएं, पलटते जाएं, निकालते जाएं, गोल्डन कलर में अपने फ्राई करना है। पलटाइंदा विंदो, ऑयल ना खणजो। ठीक है, बनस्पति घी ऐं घी खुलो ना इस्तेमाल कंदा कयो, पैकेट वारो कंपनी वारो वठंदा कयो, खुलो जेको हूंदो आहे वो आइलाइशूं भी इस्तेमाल कंदा आहिनि, मुर्गी जी जेका आइलाइशूं हूंदियूं आहिनि ऐं जानवर जी जेके हूंदियूं आहिनि चर्बियूं हुननि खां बि ठाहींदा आहिनि, त हुन में उहो घी ना इस्तेमालु कंदा कयो। ठीकु आहे, सस्तो मिले थो, हुन चकर में न वेंदो, घी हमेशह सुठो इस्तेमालु कयो, छाकाणि त तव्हांजी सिहत ई सुठे घी सां आहे, वरना हार्ट जा बि मसला थियनि था, ब्लॉकेज थिए थी, ॼमी वेंदो आहे अंदरि वेंदे ई ॼमी वेंदो आहे, त हुन शइ जो ख़्यालु रखंदा कयो, पंहिंजो खुराक जो ख़्यालु रखंदा कयो, भली घटि इस्तेमालु कयो लेकिन पंहिंजी सिहत जो बि ख़्यालु रखो, सस्ते जे चकर में पाण खे न मारे छॾो। ठीकु आहे, हीअ अच्छी तरह आपने इस तरह देखें इसका कलर आता जा रहा है, और अच्छा घी ऑब्जर्व होता है, घी पीता है ब्रेड। ठीक है, तो कोई बात नहीं है, घी आप डालते जाएं, और घी सेहत के लिए अच्छा होता है, कोई नुकसानदेह नहीं होता।
पहले भी लोग घी खाते थे, अब ये ऑयल आना शुरू हो गए, लेकिन घी से भी एक्चुअली घी अच्छी क्वालिटी का लें, अच्छी ब्रांड का लें, कभी खुला घी इस्तेमाल ना किया करें क्योंकि वो अलाइशियस हैं और कितनी चीज़ों से, काफ़ी आपने देखे भी होंगे इस तरह के प्रोग्राम्स। ये होगा सारे सिलाइसिस मैं यहाँ पे निकालता जाऊँगा, कलर चंगो अचण खपे स्लाइसिंग के पलटाइंदा वनजो, ठीक है, स्लाइसिस को आपने पलटाते रहना है, कलर अच्छा आना चाहिए। ये सारे हो गए, सारे मैं निकाल रहा हूँ, यहाँ पे क्रिस्पी हो जाएंगे, आवाज़ आ रही होगी आपको क्रिच क्रिच सी इसमें से, क्योंकि ये क्रिस्पी हो गए ब्रेड के स्लाइस। अब फिर इसमें घी डालेंगे, बाकी बचे स्लाइसेस, घी थोड़ा गर्म थे, थदे घी में ना भिजो। दोनों साइड से फ्राई करें, ठीक है, अच्छी तरह इसको घुमाते जाएं। चंगी तरह के पलटाइंदा वेंदो, ऐं चारों तरफ़ा गोल्डन चङो हुजणु खपे, हल्को कलर न ॾिजो, ठीकु आहे, हीअ बिल्कुलु जीअं पापा हूंदा आहिनि न, हीअं थी वेंदो थधो थी, ठीकु आहे। त हिनखे असां शुगर में न विझंदासीं, वरना असां छा कंदा आहियूं, जॾहिं शाही टुकड़ा ठाहींदा आहियूं हुनखे खंड जे शीरे में टिप कंदा आहिनि, लेकिन हिनखे न कंदासीं, छाकाणि त हीअ ऑलरेडी कस्टर्ड में वञे पियो। इसको आपने शीरे में नहीं डालना, इसको हम कस्टर्ड में यूज़ करेंगे, तो आपने बस डायरेक्ट इस तरह फ्राई करके आपने डालनी है। ज़बरदस्त इसका कलर आ गया, चूल्हा बंद कर दिया और ये भी सारे मैंने उतार दिया। घी कितना लगा टोटल इसमें? आधा कप घी लगा है। ब्रेक जो टाइम थी, ठीक है, शॉर्ट ब्रेक पे जा रहे हैं, जब तक आलू मटर भी तैयार हो गया है, गल जाएगा, उसके बाद उसका प्रोसेस आगे बढ़ाएंगे। मैं हाथ रोक रहा हूँ, फ्राई कर दिए ब्रेड के स्लाइसेस शाही टुकड़ों के लिए, कस्टर्ड शाही टुकड़े बन रहे हैं, लेते हैं शॉर्ट ब्रेक, ब्रेक तो मिंदा सी, ब्रेक का पहुँची कंटिन्यू। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक तो खपे तव्हांजे साम्हूं जेका रेसिपी ठही पए। पटाटा हिते चेक कयूं था, पटाटा गरी विया आहिनि, ठीक है, आलू चेक करते हैं, आलू गल जाए तो उसके बाद आपने इसमें बाकी चीज़ें डालनी। तो देखें आलू उठाया, इसको चेक करें, बिल्कुल गल गया, ठीक है, आलू चम्मच से आपने चेक करना तोड़ के, देखें आलू गलना चाहिए, मटर भी गल जाता है इसके साथ साथ, इस तरह प्रेस करके दिखा रहा हूँ, देखें आलू बिल्कुल गल गया, ठीक है। तो ये हमारी ग्रेवी तैयार हो गई, बहुत गाढ़ी नहीं करनी है। अब क्या करेंगे, इसमें डालेंगे हरी मिर्चें साबित, दो, तोड़ के काट के नहीं डालनी क्योंकि इसमें ऑलरेडी मिर्चों का भगार हुआ हुआ है, ठीक है, ये ऑप्शनल होती हैं, डालें ना डालें। इसके बाद हम क्या डालेंगे इसमें, बॉयल अंडे, 5 से 6 अदद बॉयल अंडे डाल दें, काट के ना डाला करें, क्या होता है काट के फिर जब निकाल रहे होते हैं उस वक्त काट लिया करें, अगर आप काट के डालेंगी तो वो जर्दी जो होती है ना वो बहुत गाढ़ा कर देती है, सालन को फैलना शुरू हो जाते हैं। तो बेदा जड़े विझो तो साबित विझंदा क्यों, कटिंग करे रखंदा हो तो पुछा थींदो, जड़ी दम ते वेंदा तो बेदो नरम थींदो, जी जर्दी निकरी बाहर अची वेंदी आ, ऐं हू घाटो थियण शुरू थी वेंदो आ, ठीक है। ये हो गया तैयार, इसको 2 मिनट कवर करेंगे ताकि जो हरी मिर्चों का कलर थोड़ा चेंज होगा तो हम इसे डिश आउट कर देंगे। अब बनाते हैं शाही टुकड़ा कस्टर्ड, इसके लिए हमने उठाया बॉल, कस्टर्ड ठंडा हो गया, पूरा डाल दें इसमें, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो स्लाइसेस हैं ये आपने इसमें इस तरह डिप कर देने, आधे आधे डिप कर दें, थोड़े थोड़े नज़र आते रहें, फिर आप जब चम्मच से निकालेंगे वो खुद ही आपको नरम, बिल्कुल अगर पूरे अंदर डिप कर दिए तो क्या होगा, अभी ये गर्म है थोड़ा कस्टर्ड, ठीक है, आप ठंडा करके डालिएगा कस्टर्ड में, बहुत ठंडा ना, नॉर्मल टेम्परेचर पे ठंडा, बर्फ़ वाला ठंडा फ्रिज कट कस्टर्ड ना हो, ठीक है। ये टुकड़ा शाही टुकड़न जो तरीके से मैं ठाया पियो तो ही ब्रेड जस्ट स्लाइसेस, ये दावत होती है आपके घर में, आप इस तरह कस्टर्ड बनाएं बहुत ज़बरदस्त बनता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, फ्रेश क्रीम लेंगे, पैकेट होता है फ्रेश क्रीम का, कवर किया हुआ है मैंने क्योंकि ब्रांड की वजह से इशू आते हैं, तो आप इसकी हल्की सी साइड से नोक काट लें, ठीक है, तो फिर इसकी आप टॉपिंग बहुत अच्छी कर सकती हैं। फ्रेश क्रीम के खोलन दो साइड का, मां टिशू विड़ियो है ताकि ब्रांड ये करे, ता इनके नोक हल्की सी खोले, बस इनके ही हैं मथा का लेयर हिंजी इंदी विंदी, ऊपर से इसकी
लेयर आती चाहिए। फिर ये जब आप शाही टुकड़े खाएंगे तो ये इसके साथ ही लेयर निकलती आएगी, ठीक है। ये देखिए बस सिंपल से, ज़्यादा बहुत ज़्यादा क्रीम डालने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी सी मैंने डाली है, हाफ पैकेट जाएगी टोटल। नो किसकी आप काट लें तो उससे ये बिल्कुल बैलेंस हो जाती है, ठीक है। अब इसके ऊपर पिस्ता, बादाम है जो भी चॉप किया हुआ आपके पास है वो आपने डाल देना है, ठीक है। ड्राई फ्रूट जेको ताकि सुठो लगे, पिस्तो आए, बादाम आए, जो भी तां विझण चाहे जो मथा विझी सको था। ये हो गया हमारा कस्टर्ड तैयार, शाही टुकड़ा कस्टर्ड कहते हैं इसे, ठीक है। सालन भी हमारा तैयार हो गया और रेसिपी मैंने आपके सामने रिपीट कराई है 2-3 बार, कल रिपीट चलेगा 9 बजे, आप देख लीजिएगा कोई चीज़ समझ ना आई हो। इसका भी चूल्हा बंद करते हैं। अंडा ग्रेवी हमारा तैयार हो गया, आखिर में हरा धनिया और डालेंगे इसमें। 2 खाने के चम्मच मैंने बचा के रखा था, पहले डाल दिया था, ठीक है, और 2 खाने के चम्मच मैंने कहा था लास्ट में हम डालेंगे, ताकि पहले जो डाला उसका अपना फ्लेवर आएगा और जो बाद में डाला उसका अपना फ्लेवर आएगा, ठीक है। आखिर में जेको विधो तेज़ पत्तो जेको हों जडे भी भाजी पचंदी आ, तेज़ पत्तो आखिर में कटी छा करो, यकीन करें इतना ज़बरदस्त फ्लेवर आ रहा है, इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही, क्योंकि इसमें मसाको चिकन पाउडर डाला है, तो वो जो साचे उससे और ज़्यादा इसमें फ्लेवर आ जाता है। ले लें, इजी मिलता है और इतना महंगा नहीं है, 30 रुपये तक का शायद ही मिलता है साचे, ना इतना महंगा नहीं। जहाँ हम चिकन क्यूब लेते हैं वो आपको 60-70 रुपये का जाके एक पैकेट पड़ता है, तो आप ये लें। अच्छा, आलू ऑप्शनल हैं, मटर ऑप्शनल हैं, आप इसमें डालें ना डालें, लेकिन क्या होता है ये डिफरेंट रेसिपी है आलू मटर के साथ। जब आप अंडे खाएंगे, सर्दियां आ रही हैं, सर्दियों की स्पेशल रेसिपी है ये, ठीक है। साबित लाल मिर्चों का भगार दिया हुआ है, तो साबित गरम मसाले का, उससे ज़्यादा फ्लेवर आएगा। बिल्कुल हट के चीज़ बनाई है, डिफरेंट सी सर्दियों के हिसाब से, ठीक है। क्योंकि अब मौसम आ रहा है इन चीज़ों का, तो मैं अभी बनाना शुरू कर रहा हूँ, आहिस्ता आहिस्ता ज़बरदस्त किस्म के खाने बनते जा रहे हैं, आप लोग नोट करते जाइएगा। जो फरमाइश करनी हो आप मैसेज करके भी कर सकते हैं, सिंध टीवी HD कुकिंग शो हमारे यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे सारी रेसिपीज़ अपलोड हो जाती हैं वीडियो के साथ, ठीक है। पूरा प्रोग्राम अपलोड होता है। सजा मसाला जी अंदर जो साबित गर्म मसालो हो भले हो जाए, सिर्फ तेज़ पत्तो या दार चीनी जो डंडी अचे पे वह कटी वो, बाकी साबित गर्म मसालो भले इनमें अचे पो वो भली अचे, ठीक है। देखिए ज़बरदस्त हमारी ग्रेवी तैयार हो गई है, अंडा ग्रेवी। सुबह रिपीट में ॾिसजो 9 बजे, ठीक है। ऐं काश समझ ना अचे त पोइ यूट्यूब ते तव्हां ॾिसी सघो था, ठीक है। हरा धनिया हमेशा लास्ट में डाल दिया करें, ऊपर से गार्निश करना चाहें तो कर लें, अदरवाइज ज़रूरत नहीं होती। आखिर में पतीले में डाल के मिला दिया करें, उससे क्या होता है खुशबू जो होती है हरे धनिए की, फ्रेश पत्तियों की, वो आपको ख़ुद फील होगी कि इसके अंदर आ जाती है, ठीक है। ये असांजी रेसिपी तैयार थी वही, अंडा ग्रेवी, आलू अंडा ग्रेवी मटर से गड, उनके अलावा कस्टर्ड ठाया जो मां बल्कि कस्टर्ड के पोया क्यों था। ठीक है, दोनों रेसिपीज, और ये हमने जो बनाया है मसाको चिकन पाउडर के साथ, मसाको चिकन पाउडर बेहतरीन मार्केट में अवेलेबल है, ये सालन के साथ बना हुआ है, और बिजी मुत्तफिक का कस्टर्ड है हमारे पास स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में, तो ये हमने बनाया है कस्टर्ड। सुबह ॾिसजो रिपीट में, काश ये समझना चाहिए, बस कस्टर्ड वर्ड जो ही मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है। कल सुबह 9 बजे रिपीट चलेगा, सिंध टीवी HD कुकिंग शो यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें। अगर आपके एरिया में सिंध टीवी नहीं आ रहा केबल पे या नहीं आ रहा बिल्कुल भी, तो फिर आप मुझे बता सकते हैं, या जो हमारा स्क्रीन पे नंबर चल रहा है उस पर कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं 03142675311 पे मैसेज करें, बताएं कि आपकी तरफ सिंध टीवी आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीक मज़ेदार रेसिपीज मौसम के हिसाब से बनाते जाएंगे और आप लोगों की फरमाइशें पूरी करते जाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह
मथे हफ्ते सुबह 9 बजे रिपीट रहन दो मथे हफ्ते वरी मुलाकात थी नई रेसिपीज ताजी फरमाइशों से गुड पांजो खोड़ सर जी अच्छा अच्छा हलो मैं रेसिपी रिपीट कराई तो छा रेसिपी रिपीट करा देता हूँ एक दफ़ा अभी टाइम है मेरे पास तो अंडा ग्रेवी जो हमने बनाई है आलू अंडा ग्रेवी ठीक है तो इसके लिए हमने लेने हैं 5 से 6 अदद अंडे बॉयल कर देने फिर आपने 1/2 कप कुकिंग ऑयल लेना है उसमें आपने साबित लाल मिर्च 2 तोड़ के डालनी है 2 साबित डालनी है ठीक है उसके बाद आपने क्या करना है इसमें 1 तेज़पत्ता 1 बड़ी इलायची 1 दालचीनी की स्टिक 4 अदद लौंग 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा ये डालना है भगार बनेगा प्याज 1 अदद हरी मिर्चें बार काट के उसके डाल देंगे फिर प्याज का पेस्ट 1 कप डालेंगे प्याज का पेस्ट डाल के आपने भूनना है प्याज का पेस्ट जब बिल्कुल गोल्डन कलर होने लगेगा फिर आपने 1 पाव आलू 4-4 पीस करके जैसे आलू गोश्त में डालते हैं इस तरह आलू डाल देने आलू डालने के बाद आपने क्या करना है उसको पकने देना आलूओं को भूनते रहें उसके बाद आपने इसमें टमाटर का पेस्ट डालना है 1 कप जितना 2 टमाटर ले लें उसका पेस्ट बना के डाल दें अगर पेस्ट नहीं बना सकती तो छील के बारीक पीसेस करके डालें तो वो बिल्कुल उसमें मैश हो जाएंगे फिर भुनाई करें टमाटरों का पानी खुश्क हो जाएगा मटर भी डाल दीजिएगा साथ 1/2 कप मैंने ऑप्शनल है मटर डालना चाहें ना डालना चाहें मटर से फ्लेवर आएगा आलू अंडे और मटर का फ्लेवर बड़ा ज़बरदस्त आएगा 1/2 कप जितने 1 कप जितने मटर आप डाल देंगी ये पकते रहेंगे साथ साथ मटर भी ठीक है तो फिर उसके बाद आपने मसाले डालने पिसी लाल मिर्च हल्दी पाउडर धनिया पाउडर कुटी हुई लाल मिर्च 1-1 चाय का चम्मच ठीक है जीरे का पाउडर 1 चाय का चम्मच डालेंगे और उसके साथ आप इसमें डालेंगे काली मिर्च फ्रेश कुटी हुई 1/2 चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च ऑप्शनल है अगर डालना चाहें तो 1 चाय का चम्मच डालेंगे मसाले को भूनेंगे अच्छी तरह फिर आपने 4 खाने के चम्मच दही को फेंट के डाल देना दही को डाल के अच्छी तरह भुनाई करनी है उसके बाद आपने क्या करना है इसमें 2 कप जितना पानी डाल देंगी 2 कप पानी डाल के मीडियम टू लो फ्लेम पर पकने देंगी 12 से 15 मिनट आलू जब गल जाएगा गाढ़ा होने लगेगा शोरबा फिर आपने बॉयल अंडे डाल देने बॉयल अंडे 5 से 6 सख्त ब॑यल होने चाहिए साबित डालेंगी हरी मिर्चें 2-3 साबित डाल दें उसके बाद गरम मसाला पाउडर 1/2 चाय का चम्मच डालें और आपने हरा धनिया 2 खाने के चम्मच डाल देना है मिक्स करके दम पे लगा दें 6 से 7 मिनट तक ताकि हरी मिर्चों का कलर चेंज हो जाए और शोरबा आपका अच्छा सा गाढ़ा हो जाए इसके बाद आखिर में फिर हरा धनिया थोड़ा सा 2 खाने का चम्मच डाल के आपने इसको डिश आउट कर देना मज़ेदार ये रेसिपी पराठों के साथ आप खाएँ अंडे जो हैं ये रोटी के साथ खाएँ नान के साथ खाएँ चावल के साथ भी अच्छे लगेंगे सर्दियों की रेसिपी है और ये बहुत ही मज़ेदार आजकल के सीज़न के हिसाब से रेसिपी है ठीक है सियारे के हिसाब से तमाम ही ज़बरदस्त रेसिपी है और कस्टर्ड जो है बिज़मतफिक का ये आप लें मार्केट में अवेलेबल है 3 फ्लेवर हैं स्ट्रॉबेरी वनीला और उसके साथ चॉकलेट चॉकलेट फ्लेवर बच्चे बहुत शौक से खाते हैं तो आप सिंपल भी बना के दे सकते हैं अगर फ्रेश क्रीम नहीं सिर्फ दूध में डाल के आप नहीं बना के दें बच्चे शौक से खाते हैं डिफरेंट किस्म के ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स आप डाल के दे सकती हैं अपना बहुत सा ख्याल रखें इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी मध्य हफ्ते तक मुलाकात थी दुआ में रखन अल्लाह हाँ कुकिंग विद फैसल जा तमाम शो दिसो HD क्वालिटी में विजिट करियो असान जो YouTube चैनल सिन टीवी HD कुकिंग शो